न्यूज बायोस्कोप में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से दुमका लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद पहली बार मंत्री बसंत सोरेन के साथ नलिन सोरेन जामथड़ा पहुंचे। दुमका रोड स्थित पार्टी के जिला कार्यालय में सभी नेताओं ने स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाने का काम किया कि वर्तमान केंद्र की बीजेपी सरकार ने साजिश करके लोकसभा चुनाव में दुमका सीट जीतने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सलाखों के पीछे भेजा है। बसंत सोरेन ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जब से दुमका लोकसभा प्रत्याशी के नाम की घोषणा की है, सभी विपक्षी दलों में खलबली मच गई है। वहीं उन्होंने कहा कि दुमका काफी महत्वपूर्ण सीट है। दुमका लोकसभा के प्रत्याशी बसंत सोरेन दुमका लोकसभा इस 14 सीटों में माने रखता है। देश भर का नजर इस दुमका पे होता है। दिल्ली की सरकार और दिल्ली के राजगति पे बैठा हुआ इंसान एकटक नजर रखता है कि दुमका का फैसला क्या है। परसों जब फैसला हुआ कि यहां का प्रतिनिधित्व नलिन सोरेन जी करेंगे, तो केंद्र में बैठे लोगों का चेहरा देखने लायक था। दिमाग नहीं काम कर रहा था क्योंकि साजिश तो लोगों ने किया घर को तोड़ने का, और दूसरा साजिश क्या है, हेमंत सोरेन जी को अंदर रखने का। तो लोग सोचा कि दुमका हम लोग जीत लिए। दुमका जीत लिए मतलब झारखंड जीत लिए। बीजेपी के लोग, एनडीए के लोग जो है सहा नहीं गया, और इसी तरह से जो हम लोग के जो माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनके ऊपर गलत ढंग से आरोप लगाते हुए ने जेल में बंद किया, और इसलिए किया गया ताकि ये इस राज्य में जो चुनाव है उस चुनाव प्रचार प्रसार नहीं। यही सोच करके बीजेपी वाले एनडीए के लोग अब घर तोड़ने का काम किए, और उसी आधार पर उन लोगों ने घर तोड़ने का काम किया और घर तोड़ करके ये साबित करने का काम किया कि हम इस संगठन को तोड़ेंगे। लेकिन घर तोड़ दिया कोई बात नहीं, लेकिन संगठन जिंदगी में और जब तक हम लोग रहेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा का संगठन हमें